ਕਿਦਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਲੱਦਾਖ ਕੀ ਫੇਮਸ ਸ਼ੌਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਹਾਊਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਮ ਇਹ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਅਕਲੈਮੇਟਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਲੈਮੇਟਾਈਜ਼ ਕਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਵੇਰ ਇਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਆਗੇ ਬਤਾਤੇ ਆਗੇ क्या जी बात करते करते आगे कचरे की गाड़ी और कचरे की गाड़ी यहाँ पर स्पीकर लगा के चलती है कि कचरा दे दो क्योंकि गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी बिल्कुल नहीं स्वच्छ भारत है ये जब यहाँ से निकलेंगे तो एक स्पेशली ब्लॉक कचरे को लेकर प्लास्टिक को लेकर बनाया जाएगा वो वाला कचरा नहीं जिसने स्विंग कराई थी हैट्रिक वाला कचरा नहीं सीरियस वाला कचरा लेंगे और अभी पहुंच रहे मार्केट में क्योंकि सलीम को लेनी है सिम सिम मिलेगी वोटर आईडी में मेरे पास मोबाइल की सिम है क्योंकि हम बार बार लद्दाख आते रहते हैं He's a localized person in yeah. Leh. So he did not he bas rehne de rehne de sim milegi sim nahi hai sir abhi kyon net nahi chal raha hai to kab tak chalega internet kuch bol nahi sakta sir aadha ghante mein chalne ka bhi chance hai aadha ghante mein chalne ka chance aur ek voter id pe mil jayegi do sim ek voter ek hi sim milegi sir ek pe ek hi sim alag alag company ka le sakte hai ek Airtel ek Jio ek BSNL le sakte hai ओके सर अदरवाइज एयरटेल का तो नहीं ले सकते ओके आप पबजी खेल रहे हो मैं भी वही पूछने वाला था तो सीन ये हो गया कि सिम मिल नहीं रही है वो कह रहे हैं कि एक वोटर आईडी पर एक ही सिम मिल सकती है वोटर आईडी मेरे पास है मुंबई का महाराष्ट्र का आधार कार्ड और वोटर आईडी चलेगा नहीं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऐसे ही है और अब विशाखा को भेजा हमने वापस वोटर आईडी लेने के लिए तो आधे घंटे बाद इंटरनेट चलेगा तब देखते हैं नहीं तो हम ढूंढते हैं एक सिम तो ले ही लेते हैं तब तक जब तक जाते हैं इन्होंने ये भी कहा था कि एक वोटर आई डी कार्ड पे अलग अलग कंपनी के तीन सिम ले सकते हैं लेकिन सेम कंपनी का सिम दो नहीं ले सकते हैं यानी कि अगर जियो चाहिए तो जियो के एक ही ले सकते हो जियो के साथ आप एयरटेल ले सकते हो या BSNL ले सकते हो एक वोटर आई डी पे अलग अलग सिम ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर एयरटेल अच्छा चलता है तो एयरटेल ही लेना और प्यास लग रही है लड़के को पानी पीते रहे आपके अपने सत्यादा चीता आपका सत्यादा चीता पी रहा है मैंगो शेक लद्दाख की गलियों में लेह की गलियों में पी रहा है लद्दाख शेक सर लद्दाख शेक बोल मैंगो शेक कैसा कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तू बोलेगा मेरे को बियर चाहिए जब आपका मूड खराब हो तब आप बियर पियो मूड चिल हो जाता है ये आइसक्रीम आइसक्रीम फालतू की चीज़ है ये सिर्फ सिर में ठंड चढ़ाती है और कुछ नहीं करती वो दिमाग चिल कर देती है बढ़िया करते पी के बात करेंगे अगर इसने काट दिया इसे माता रानी की सौगन इसको पाप लगेगा इसको कीड़े पड़ेंगे अगर इसने फुटेज काट दिया तो गुड मॉर्निंग जी जुले 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 वैसे कल हमारा थोड़ा मूड था नहीं ब्लॉगिंग का यानी कैमरा उठाना ही पॉसिबल नहीं हो रहा था क्या कह रहे हैं भैया सही एकदम कल इसका कलेजा निकाला ऐसा हम लोगों ने झाड़ा फिर वापस लगाया फिर इसको भी झाड़ा अब ये ठीक हो गया मतलब कल हमारे लोग तेरे को चिपकाया हाँ कल हमारे को हमारे कुछ पुराने साथी मनाली के फैमिली मेंबर मिल गए देख लो वैसे ना हमारा आज ब्लॉग करने का बिल्कुल मूड नहीं था पर आज हमारे को कुछ बड़ी 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 हस्तियाँ मिली है और वो भी लद्दाख में ऐसा नहीं मनाली में आपको मिलाता हूँ ये देखो ये हमारी भाभी जी भाभी जी हमेशा बाइक देती है लद्दाख के लिए और खुद कभी लद्दाख नहीं देखा हाँ भाभी जी क्या बोलते हैं क्लाइंट आपको जब क्लाइंट पूछते हैं आपने आप गए हो लद्दाख तो बोलते हैं नहीं तो वो हंसते थे इसलिए हमें आना पड़ा है पूरा लद्दाख घूम के हम लोग जाएंगे आप समझ रहे हो पहली बार लद्दाख है प्यार सिंह जी आए थे उनकी तो ऑक्सीजन फेल हो गई थी मैं मिला उस टाइम पे तो सही है अब हमारे साथ है पलक पलक का था कल बर्थडे इसलिए हम उसको विश नहीं कर पाए पलक पलक इधर आओ इसको हम नहीं अब देखो जितने अपने सब्सक्राइबर सब विश करेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सलीम हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू पेस्ट्री लेके आओ थैंक यू ओ समझ गए उसके बाद हुआ हमारा मूड ठीक थैंक यू भाभी जी थैंक यू पलक और पलक को हमने विश तो कर ही दिया बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे पलक ये ना ब्लॉगर की लाइफ में ना एक सबसे टफ डे होता है जिस दिन हम कैमरा नहीं उठाते और दूसरी चीज़ पता क्या होती है इस सिचुएशन से आपको खुद ही निकलना होता है क्योंकि और कोई तो निकाल नहीं सकता ना
पर हमारे पास कुछ यार है जो निकाल देते हैं। मैं निकाला ना कलेजा निकाला, झाड़ बोला तो सही, ऐसे झाड़ फाड़ के वापिस लगाया इसने, झाड़ फूक भी किया इसके ऊपर। तो इसलिए हमने सोचा कि अब मूड ठीक है तो उस ब्लॉग को कंटिन्यू किया जाए। तो अब जा रहे हैं, सलीम को लगी है भूख बहुत ज़्यादा, ये मर जाएगा, इसका कलेजा झाड़ भी नहीं पाए भूख से। मेरे साथ क्या है, अगर मैं खाना नहीं खाता हूँ तो मैं इरीटेट होने लग जाता हूँ। इसके साथ क्या है, अगर इसको खाना नहीं मिलता टाइम से तो इसका सर दुखने लगता है। तो इसलिए निकले हैं ब्रेकफास्ट के लिए। चलो पहले सब ऐसे फुल ये देखो सही, सब फुल ऐसे, इधर डोले शोले भी देख लो, वो देखो लड़के सब रेडी हैं। कहाँ जाना है ये नहीं पता अभी, पर कहीं तो जा रहे हैं। अपना था जी एक चिकन सैंडविच, एक बनाना शेक, परफेक्ट। बड़ी मोहब्बत से हमारे को ब्रेकफास्ट नसीब हो रहा है घर के पास ही, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना नहीं, क्योंकि सलीम की अभी एडिट बाकी है। इस वजह से हमने जल्दी से हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया। सुन तो आपने लिया, ये क्या क्या ऑर्डर किया, बार बार मैं क्या बताऊँ, समझ लो। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो तेज है चीता स्पीड, पता है ना फरारी की स्पीड है उसकी, तो सबसे पहले इसकी एडिट कम्प्लीट होती है, उसके बाद इसकी कम्प्लीट होती है, सुपर हॉट। ओके और लास्ट में जो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई है आपका लास्ट में आपका यही है जी। इसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद छोटे मोटे काम हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। ब्रेकफास्ट आने दो, बी रोल के साथ ही आएंगे, सलीम लेगा ना बी रोल अपना हाथ ही नहीं होता है। तो जी फाइनली निकल गए हम सिम के लिए, खाना खा के आधा घंटा रेस्ट किया, आधा नहीं एक घंटा हो गया, मतलब 10 मिनट बोला था, फिर 15 मिनट हो गया, फिर आधा घंटा, फिर एक घंटा हो गया। क्या यहाँ पर ना इतना कोजी मौसम है ना कि हम रजाई में घुसते और सो जाते हैं। और खाना खाने के बाद हमारे दोस्त है उमेश जी, उनके पिताजी ने कहा था कि रेस्ट करना जरूरी है, तो अब पिताजी लोगों की बात कैसे डाल सकते हैं, तो इसलिए बुजुर्गों की बात सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए, इसलिए हमने सुन ली उनकी बात। और पीछे जा रही गड्डी, सेट हो जाए भाई, ठुकू गए। बट फाइनली सोने के बाद निकल गए अब सिम के लिए। वैसे विशाखा बोल रही थी कि हमारे को बाइक पर चलना चाहिए कि टाइम बचेगा, बट मेरे को पैदल चलना पसंद है। और विशाखा को हम थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सरप्राइज है, क्यों प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी नहीं रिवील कर सकते, थोड़ी देर पैदल चलने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो पहुँच रहे जी मार्केट में। वैसे जब मैं चादर ट्रैक के लिए आया था ना, ये सड़कें बन रही थी, और अब सबसे अच्छी बात क्या होगी, इन्होंने वॉकिंग स्ट्रीट के लिए साइड में चलने की जगह बना दी है, बेस्ट है वो। पेडेस्ट्रियंस अलग, गाड़ी अलग, और अब तो पूरी मार्केट खुली है। जनवरी में तो कुछ भी नहीं था, एक या दो शॉप ही खुली थी, और बड़ा लंबा पैदल जाना पड़ता था, पर अब मज़ा आ रहा है। अच्छा सीजन टाइम है, इन्नी सोहनिया सोहनिया कुड़ियाँ हैं इस टाइम पे, बटरफ्लाइज अराउंड यार मतलब आपको ऐसे चश्मा लगाने का ना ये फायदा कि आप दोनों तरफ देख सकते हो, किसी को नहीं पता लगता कि आप किसको देख रहे हैं, किस पे नजर है, तेरा ध्यान किधर है, तेरी नजर किधर किधर है, तेरा हीरो इधर है। सिम मिलेगा जी आज, तो फाइनली पहुंच गए हैं जी, और हाँ भी कर दिया हमारे को कि आज सिम दे देंगे, ठीक है। थक जाते हैं ना बार बार आते हुए, है ना, देख रहे हो हालत, छठी बार आई है ये तो, मेरा तो तीसरी बार है, इसका छठी बार है, मेहनती लड़की है। मिल गया। आई एम द लकी वन, जब मैं होता तभी काम हो सकता है, ऐसे नहीं होता। ये लीजिए वोटर आई डी, कितनी देर में हो जाएगा एक्टिवेट, आधे घंटे तक हो जाएगा सर। मोहब्बत की दास्तान इस तरीके से है कि ये जो भाई साहब है ये भाई साहब ने चश्मे वश्मे सब उतरवा दिया, हम कहें कि फोटो लेंगे हम, ऐसे थोड़ी होता, मतलब करें स्माइल भी नहीं करनी, नहीं, बिना स्माइल के हम जिंदा ही नहीं रह सकते। मुस्कान लाखों करोड़ों की मुस्कान है, विशाखा कुछ कहना चाहिए, लड़की बोल रही है तो इस बात को थोड़ा जज्बाती होकर दिल पर ले और फिदा हो, और बिल्कुल कॉल नहीं करना इनको, ठीक है, कॉल नो, डोंट कॉल, एक महीना बिल्कुल नो कॉल, दे आर माइंड फॉर 1 मंथ, सो नो इसकी रिस्पांस। और सर जी क्या, ठीक है सर।
क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश यहीं से, लद्दाख से? क्या बात कर रहे हो, कहाँ? हरियाणा से। कित का हो भाई साहब? हरियाणा। हरियाणा होते, हरियाणा वाले तगड़े होते भाई, सो मारते चार गिनते हैं, राइट? राकेश जी हरियाणा से लद्दाख में मिले, बताओ मोहब्बत कित कित मिल रही है? अभी कोई बोलेगा स्माइल नहीं कर रही तो ज्यादा हंसी आती है। ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा, विशाखा के साथ भी हो रहा है, देखो सबके साथ होता है। कुछ तो घटना घटित हो रही है हमारे साथ, क्योंकि सिम लेनी है, पर 15 मिनट हो गए हैं, एक सिम एक्टिवेट होएगी आधे घंटे में, तभी विशाखा की फोटो वोटो होगी, ये पोर्टफोलियो हो रहा है, लेते दूसरी सिम। द्वारा एक्टिवेशन के समय जमा किए गए आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें, वोटर आईडी कार्ड के लिए एक। तो जी फाइनली हमारा सिम कार्ड हमारे को मिल गया है, ये सलीम के लिए हमने लिया है, सलीम का एक्टिवेट हो चुका है, विशाखा वाला मिल गया है सिम पर एक्टिवेट नहीं हुआ, आधे घंटे में एक्टिवेट होएगा। वैसे एक्टिवेट ये कॉलिंग के लिए हुआ, आधे घंटे में ये भी इंटरनेट के लिए एक्टिवेट होएगा, तभी ये वीडियो अपलोड कर पाएंगे। सब यू गाइस कैन समझ रहे हो कितने लकी है हम, हमारे पास सिम है। तो अब क्या था कि आप समझ ही गए हो कि कल ब्लॉग करने का मूड नहीं था, आज ब्लॉग का मूड बना है, थोड़ी एनर्जी आई है, मूड अच्छा हुआ है, तो फुल पावर में अभी आ चुका, फुल पावर में। तो आज का ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अगले ब्लॉग में फ्रेशनेस के साथ नया ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, सरप्राइज भी है नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत ही सारे सरप्राइजेस हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे, चंगा फिर, रब रखा, और कभी कभी मूड खराब होता तो एक्सेप्ट कर लिया करो, क्योंकि ब्लॉगर हर टाइम एक ही मूड में नहीं रहता, तो इस टाइम पर आप प्यार की ज़्यादा जरूरत है।